नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ राधिका। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का आज 354वां प्रकाश पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। सिखों में आज के दिन को लेकर खासा उत्साह रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज प्रकाश पर्व के मौके पर गुरु गोविंद को याद करते हुए उनके साहस और बलिदानों को नमन किया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, मैं श्री गुरु गोविंद सिंह जी को उनके प्रकाश पर्व के पावन अवसर पर नमन करता हूँ। उनका जीवन एक न्यायपूर्ण और समावेशी समाज बनाने के लिए समर्पित था। जब वो अपने सिद्धांतों के प्रति अटूट थे, हम उनके साहस और बलिदान को याद करते हैं। उन्होंने लिखा, गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां प्रकाश पर्व भी हमारे कार्यकाल में आया था, जिसे हमारी सरकार ने बेहतरीन तरीके से मनाया था। पीएम मोदी ने इस मौके पर अपने पुराने भाषणों के वीडियो भी शेयर किए, साथ ही पंजाबी भाषा में ट्वीट कर भी बधाई दी। बता दें कि गुरु गोविंद सिंह की जयंती के मौके पर सिख धर्म के लोग प्रकाश पर्व के तौर पर मनाते हैं। इस समय देश भर के गुरुद्वारों में रौनक देखते ही बनती है। सुबह से ही गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व पर श्रद्धालुओं ने बंगला साहिब गुरुद्वारे में पूजा की। श्रद्धालुओं ने गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व पर अरदास की। बंगला साहिब का नजारा वाकई बेहद खूबसूरत दिखा। यहां आए भक्तों ने सभी के लिए ये साल शुभ हो ऐसी अरदास की। हम तो यही कहेंगे कि पूरे वर्ल्ड से ये कोरोना जाना चाहिए, सबको शांति दे परमात्मा, इस रोग को दूर करे। हम तो यही अरदास करेंगे परमात्मा के आगे। माहौल तो बहुत अच्छा है, अरेंजमेंट भी गुरुद्वारे की जो अरेंजमेंट है वो तो एक कुदरत की देन है। यहाँ तो किसी चीज़ की वो नहीं है, यहाँ 24 घंटे जब भी आओगे आपको अच्छा ही नजर आएगा और सबको आशीर्वाद मिलेगा। यहाँ गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने ट्वीट में लिखा, गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के शुभ अवसर पर मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। वहीं इस मौके पर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर गुरुद्वारे में भी खास आयोजन हुआ है और श्रद्धालुओं की भीड़ सुबह से ही गुरुद्वारे माथा टेकने पहुंच रही है। गुरु पर्व के मौके पर यहां श्रद्धालुओं ने सरोवर में डुबकी लगाई, साथ ही देश के अन्य कई इलाकों में भी बड़े ही धूमधाम से गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व का जश्न जारी है और प्रभात फेरियां भी निकाली जा रही हैं। आपको बता दें कि गुरु गोविंद सिखों के 10वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों की पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को पूरा किया था और उन्हें गुरु रूप में सुशोभित किया था। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जीवन परोपकार और त्याग का जीता जागता उदाहरण है। गोविंद सिंह ने अपने जीवन में कभी भी धन या सत्ता की प्राप्ति के लिए लड़ाइयां नहीं लड़ी। उन्होंने हमेशा अन्याय, अधर्म, अत्याचार और दमन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। गुरु गोविंद सिंह ने ही खालसा पंथ की स्थापना की थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।